हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीएलओस के साथ लगाना चाहें तो लगाएं, और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट साइलेंटली वी वर वर्किंग। सब ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1-2-3 मीटिंग्स की हैं, उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं, दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड वी आर कॉन्शियस दैट ए वेरी सॉलिड इलेक्टोरल रोल इज द फाउंडेशन स्टोन ऑन एनी इलेक्शन एंड वी आर रेडी टू गो विथ दिस। वी हैव ऑल्सो वर्कड ऑन द वुमेन वोटर्स। वुमेन वोटर्स का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, विच इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग इन आर इलेक्ट्रल साइकिल। राज्य देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आर इलेक्शन। और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन। 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट that out of 13.4 lakh advance applications which have come to us, around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024. Aur wo bhi hamare voter us samay tak ban jayenge. Yani the role would be as much updated on 1st of April ki koi bhi chhute nahi. National icons ko badi sankhya mein humne youth ko apne saath jodne ke liye is karya mein lagaya hai. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे। और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी यह भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, और शेड भी होगा, सफिशियंट लाइट भी होगी। यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल दी पोलिंग स्टेशंस, और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन अपने पर्सनल को लेके जाएगा। एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट ए वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आर वोटर्स। एंड देन द वोटर्स डिलाइट, पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिलें। देन हाउ वुड बी एंश्योर दैट इट इज ऑल्सो इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इन द सेंस 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है,
अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी 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 क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आए। फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द सस्टेनेबल इलेक्शंस एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द